मैं सबको बताना चाहूँगा भाई, अगर जिम में जा रहे हो तो सब कुछ बनाओ, कुछ बने ना बने ऐप्स ज़रूर बना लो। आपका ऐप्स पे कितना मेहनत करते हो, ऐप्स आपको ये चीज़ें बताता है कि आप कितने डिसिप्लिन हो। सो हेलो गाइज, कैसे हो? होप्स अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है रियाज खान मेरे यूट्यूब चैनल पे, और एक बार फिर से मैं आ गया हूँ जिम में। और यहाँ पे कुछ ऐप्स के वर्कआउट 3 सेट में बताऊँगा इस ब्लॉग में आप लोगों को, क्योंकि पूरा सेट अगर बताऊँगा ऐप्स के तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसमें मैं 3 इम्पोर्टेंट सेट बताऊँगा जिससे अपर ऐप्स के वर्कआउट जिसपे डायरेक्ट असर करता है और रिजल्ट जल्दी आता है। सो मैं जितने भी जिम में जो फिटनेस में जो वर्कआउट कर रहे हैं, मैं सबको बताना चाहूँगा भाई, अगर जिम में जा रहे हो तो सब कुछ बनाओ, कुछ बने ना बने ऐप्स ज़रूर बना लो। आपका ऐप्स पे कितना मेहनत करते हो, ऐप्स आपको ये चीज़ें बताता है कि आप कितने डिसिप्लिन हो अपने वर्कआउट को लेके, अपने फिटनेस को लेके कितने डिसिप्लिन हो। क्योंकि उसमें जब आप बात ऐप्स की आती है तो वहाँ पर डिसिप्लिन आ जाता है। बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर चेस्ट ये सब चीज़ें आप खाते पीते रहो, ऑयली चीज़ें खाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ऐप्स की बात आती है तो वहाँ पर डिसिप्लिन हो जाते हो। तो देखता हूँ, एक भाई है इधर बाइसेप पे मेहनत कर रहे हैं। और बताओ, हाय, क्या कर रहे हो? कितने हैं? 16 होंगे? नहीं, 16 तो लग रहा है, मेरे से तो ज्यादा ही है ना? हाँ, ज्यादा तो है मेरा भी, है ना? बहुत ज्यादा ये, कहाँ ये कहाँ हम। और कितने साल से कर रहे हो? ये करीबन 2 साल से कर रहे हैं। अच्छा, चेस्ट वेस्ट बढ़िया बना लिए? सब है ना। ये किधर है? ये दिखाओ तो, देखो दिखाओ ना, दिखाओ। ये देखो, ये है आज के बॉडी बिल्डरों का वर्कआउट करने का तरीका। और एक इधर देखो, भाई ये कैसे बना लिया है ना। और तुम कैसे बना लिया? तुम साइज की बात कर रहे थे, ऐसे करो, ऐसे करो, अपनी साइज दिखाओ, है ना, फर्क है, ऐसे पंप करो, ऐसे करो, तुम्हारा साइज देखे। तो एप्स बनानी है, ऐसे एप्स बनानी है ना। तो बताता हूँ मैं, देखो 2 साल से वर्कआउट कर रहे हो, राइट? तो एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वर्कआउट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्कआउट एप्स का होता है। जो नहीं करते हैं एप्स के वर्कआउट, वो सबसे वो सोचते हैं कि अरे हटाओ छोड़ो, कुछ नहीं होता भाई। जब जिम में आए हो तो आपको ऐप्स तो बनाना ही पड़ेगा ना। ऐप्स से फ़ायदे क्या है, ये देखो, ऋतिक जैसी ऐप्स आए ना आए, टाइगर श्रॉफ की तरह आए ना, बस उस पर मेहनत करते रहो। क्योंकि जब ऐप्स आप वर्कआउट करते हो तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है, ओके? तो आपको आज मैं बताता हूँ 3 इम्पोर्टेंट अपर वर्कआउट, अपर, ये इसको ना अपर बोलते हैं, ये लास्ट वाला, ये इसको मैं बाद में बताऊँगा, ये लोअर, मैं एप्स अपर एप्स वर्कआउट बताता हूँ, ओके? तो आ जाओ, और दुनिया के किसी भी जिम में जा रहे हो तो ऐप्स बनाओ, यू नो, ऐप्स के बिना कुछ भी नहीं है, जिम है ही नहीं। अगर एक बात बताओ, अगर साइज सब कुछ होता तो ऋतिक रोशन को जानते हो ना, टाइगर श्रॉफ को जानते हो, विद्युत जमवाल को जानते हो, उनके पास पैसों की कमी है? साला 200 जिम खड़े कर दे अभी के अभी, क्यों वो साइज नहीं बढ़ाते हैं, पता है? कभी सोचा है? साइज नहीं बढ़ाने का यही रीज़न है कि बॉडी लीन होनी चाहिए, बॉडी खूबसूरत होनी चाहिए, बॉडी चौड़ा नहीं होना चाहिए। बॉडी तो गधों की भी होती है, हलवाइयों की भी होती है, तो करने हम थोड़ी आ रहे हैं, हमको स्मार्ट वर्क इधर भी करना है, हर जगह, यू नो, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। रिक्शा वाला भी एक मेहनत करता है और एक जो ऑफिस में बैठ के काम करता है वो भी एक मेहनत करता है। दोनों को डिफरेंसेस देखते हो, एक बंदा एसी में सोता है, एक बंदा रोड पे सोता है, रीज़न यही है। तो बॉडी बना रहा हो, सेक्सी बनाओ। आजकल लड़कियों को ना ऐसे नहीं, ऐसी बॉडी की ज़रूरत है, ऐसे, इससे इम्प्रेस होती हैं, इससे नहीं होती हैं, और साइज वाइज से कुछ नहीं होता है। इधर आओ, तुमको ना 3 ऐप्स वर्कआउट बताता हूँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे हार्ड, जो कि कोई करता ही नहीं है, 99% लड़के करते ही नहीं है जिम में। आ जाओ, सबसे पहले ये मैं बताता हूँ, वो कर लेना अपने हिसाब से, अपने हिसाब से अपना वेट उठाना। मैं तो 15 का उठाता हूँ,
इधर साइज देखो 15 केजी है। अब देखो और कहीं सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वर्कआउट में जिम में ये दिमाग में रख लो कि मेरे को ना इंडिपेंडेंट वर्कआउट करनी है। जहाँ तुमने सपोर्ट की आदत लगाई तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। मैं 12 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं इंडिविजुअल अभी भी हूँ, कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। उसमें ये होता है ना कि आप अपने रूटीन के हिसाब से वर्कआउट कर रहे हो, अपने हिसाब से आप वेट उठा रहे हो। तो ये सबसे हार्ड और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्कआउट अपर वर्कआउट है जो कि 99% जिम में लड़के नहीं करते हैं। ये रस्सी पकड़ के ऊपर नीचे होना ये तो नॉर्मल है, इसीलिए सभी के एप्स नहीं बनते। हमारी तरह करो, ये 15 का वेट लो, ओके, फिर यहाँ रखो, यहाँ खड़े हो जाओ। किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, करो हल्का वेट से करो, 5 किलो का ले लो, 5 केजी का आराम से, डे वन है ना। चलो ठीक है, पैर सीधा करो पूरा स्ट्रेट, ये रखो इसको ऐसे करो सीधा, इसको हाँ ऊपर सर दिखाए रहो ऊपर, ओके चलो आ जाओ, आप खुद ही उतरो आराम से, ओके इसको हटा दो, उधर रख दो, यहीं रख दो। कैसा लगा, फर्क पड़ रहा था? तो ये सब वर्कआउट हो जाता है, इसको वर्कआउट बोलते हैं। जब अंदर दर्द हो ना उसको वर्कआउट बोलते हैं, आने का, आईफोन निकालने का, सेल्फी लेने का, निकल जाने का, ऐसी बॉडी नहीं बनती है। इधर आओ, ये दूसरा सेट है, लाइट वेट मार रहा हूं, ठीक है, अपर वर्कआउट का दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कआउट। जैसे उसको किया इसको करो, एक सेट में 10 होना चाहिए और 3 सेट होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ, हाँ और थोड़ा, हाँ चलो जाओ नीचे, हाँ और थोड़ा सा आगे हो जाओ, हाँ और ऊपर आने दो, हाँ ठीक है। इसको ना एक सेट में 10 करो कम से कम मिनिमम, और 3 सेट होना चाहिए, ओके ये 2 हो गए। तीसरा कार्डियो में ही आता है, इसको मैट को लिया, ये पूरा स्ट्रेट हो जाना है, ऐसे पैर रखना है ऐसे, और सामने देखना है सामने की तरफ, ओके ये यहाँ पर रखना है, ओके ये इसे देखो आ रहा है, करो आप पूरा स्ट्रेट हो जाओ, स्ट्रेट होकर पूरा पैर सीधा करो, हाँ पूरा सीधा, अब पैर मोड़ो मोड़ो इतना पर रखो, अब यहाँ रखो, अब इधर सामने देखो और ऊपर आओ, सामने देखो ऊपर आओ, अच्छा ओके। तो सबसे पहले
अब जो वर्कआउट करो जहाँ करो उसको ना ऐसे इज्जत से उठाओ, और जहाँ से उठाए उधर इज्जत से रख दो। ओके, तो ये मेरा बेसिकली तीन जो वर्कआउट मोस्ट इम्पोर्टेंट था जो मैंने बताया। तो अब आगे से जब भी आओ वर्कआउट करने, अगर अपर वर्कआउट करनी है तो ये करना, बाकी बहुत लंबा प्रोसेस है एप्स के, ये 4-5 ब्लॉग में आएंगे पूरे वर्कआउट, तो मैं करता रहूँगा, ब्लॉग बनाता रहूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं फिर कोई कुछ और इसमें अपर के 3-4 और एक्सरसाइज है वो मैं बताऊँगा जो डंबल से है। ठीक है, सो मेहनत करते रहो और ऑल द बेस्ट। तो गाइज आज के ब्लॉग में था अपर वर्कआउट, एप्स अपर वर्कआउट जो कि तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको मैं करता हूँ। आप लोग भी ट्राई करो अपने जिम में। खाने पीने की चीज़ें बाद में आती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस पर भी मैं ब्लॉग बनाऊँगा। और मेहनत चल रही है और चलती रहेगी, और ऐसे ही एप्स कोशिश कर रहे हैं बने। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दे, सपोर्ट दे और शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।